आपको एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है ना। जी अच्छी बात है। मान लीजिए आप सवेरे एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जिम में डंबल उठा रहे हैं, कोई आपके पास आता है, कहता है कि अरे भाई वाह, आप तो भीम हैं बिल्कुल, क्या डंबल उठाते हैं आप, कितना अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, क्या बॉडी बनाई आपने। मैं श्योर हूं कि आप दो डंबल ना उस दिन फालतू लगाएंगे, है ना। हाँ ये होता है, क्योंकि हमें ना मोटिवेशन चाहिए, हमें नहीं एक्चुअल हमारे माइंड को मोटिवेशन चाहिए। अगर बॉडी कॉन्शियस ज्यादा है तो बॉडी की अगर कोई तारीफ करता है तो बॉडी से जुड़ी चीजें हम ज्यादा करेंगे, जैसे हम जिम थोड़ी और ज्यादा कर लेंगे, वहीं वाइस वर्सा उल्टा करके देखिए। कोई आपको बोले अरे कब से एक्सरसाइज कर रहे हो आप, 3 साल से, बॉडी तो आपकी कुछ और वेट भी आप ज्यादा नहीं उठा पाते हैं, तो मतलब क्या करते हैं आप जिम के अंदर। देखिएगा उस दिन ना आपको एक्सरसाइज करने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आज हमारा माइंड डिमोटिवेटेड है। अगर हम सोल कॉन्शियस हैं तो वहीं अगर हमारी कोई चरित्र की या हमारे गुणों की तारीफ करता है, कहता है भाई वाह आप तो बहुत पीसफुल हैं, कब से मेडिटेशन करते हैं, आप और ज़्यादा पीसफुल हो जाएंगे उस क्षण के लिए, हो सकता है वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो जाए, आप उसे लॉक कर लें अंदर और ये बात फिक्स कर लें कि हाँ अब तो लोग भी कहने लगे हैं कि मैं बहुत पीसफुल हूँ, तो मुझे पीसफुल ही रहना है, और अपनी पीस और अपनी प्योरिटी को आप बढ़ाने लग जाएं। वहीं अगर आपसे कोई कह दे कि आपको बहुत गुस्सा आता है, कब से मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा कोई चेंज नहीं है आपके अंदर, और आपके चेहरे से तो रूहानियत बिल्कुल भी झलकती ही नहीं है, तो हो सकता है कि आपको डिस्टर्बेंस हो, उस दिन आपका मेडिटेशन में मन भी ना लगे, है ना। होता है ना, ये किसको अच्छा और किसको बुरा लग रहा है, जरा विचार करके देखते हैं आज। ये माइंड को अच्छा और माइंड को बुरा लगता है, सोच के देखिए, माइंड किसका है, मेरा। अच्छा माइंड खुश किसकी बातों से हो रहा है, दूसरों की बातों से। यानी माइंड को मोटिवेशन चाहिए आज, क्योंकि बाहर का माहौल थोड़ा ऊपर नीचे है। माइंड को मोटिवेशन बाहर से मिलेगा कब, कोई आपको कहेगा अपने नजरिए के अनुसार या ज्ञान उसके पास जो है कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई आपसे कह जाएगा आप तो बेकार हैं, तो हमारा रिमोट तो उनके हाथ में रहेगा ना पूरे दिन। और वही आज हो रहा है कि अभी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, अभी मैं बेकार फील कर रहा हूँ, क्यों ना सेल्फ मोटिवेटेड हो जाए। जब मेरा मन दूसरों की बात सुन के खुश हो सकता है, पावरफुल हो सकता है क्षणिक, तो अगर मैं स्वयं अपने मन की तारीफ करूं तो मेरा मन क्या कर सकता है। इसी को परमात्मा कहते हैं स्वयमान, स्वयं को स्वयं ही मान दो, यानी अपने मन को मान तो दो, अपने मन से कुछ मीठी मीठी बातें तो करो, आपका मन हर एक क्षण आपकी बातें सुनने लग जाएगा। हम देखते हैं कि जब मैं कहता हूं आई एम पावरफुल बीइंग, या मानो वो हमने एक्सरसाइज वाला उदाहरण जो उठाया है कि मैं जिम में कह रहा हूं मैं तो भीम हूं, तो मन सुनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमें अपने मन से बात करने की आदत ही कहाँ है, मन की सुनते कहाँ है, मन से बात कहाँ करते हैं, मन को टाइम कहाँ देते हैं, तो इसलिए जब दूसरे ने बोला तो अच्छा लगा, खुद बोला तो ऐसा कुछ किक तो नहीं लगी, लेकिन जब आदत डालेंगे मन से बात करने की तो मन दूसरों की सुनना बंद करेगा और सिर्फ हमारी सुनेगा, जो हम कहेंगे मन वही करेगा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन, और इसे कहेंगे हम स्वमान में रहना। हमने आज तक अपने मन को समय दिया नहीं, और एक दिन उठकर हम कहते हैं कि आई एम पावरफुल बीइंग, मन कहता है क्या बोला है समझ नहीं आया कुछ, क्योंकि मन कह रहा है भाई मतलब आज आपको क्या हो गया है, मतलब आप आज मुझसे बात कर रहे हैं, सुनेगा नहीं। अगर आप किसी से कभी बात ना करें, एकदम समय पड़ गया, आप किसी से बात ही ना करें, आज आपका काम बढ़ गया तो आप उससे बात कर रहे हैं, तो वाली बात नहीं हो गई है ये, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे अपने माइंड को निरंतर, पावरफुल एफर्मेशंस जिनको हिंदी में कहते हैं स्वमान देने हैं। आप देखिए कमाल, फिर बाहर से मोटिवेशन नहीं चाहिए। बाहर तो आज लोग ना बिना वजह भी गिराने की कोशिश करते रहते हैं, रिमोट उनके हाथ में दे दिया ना तो आप गए, किसी को तो कोई लेना ना देना आपसे कुछ भी, बस ऐसे ही कम्पीट कर रहे हैं, ऐसे ही उनके मन में चल रहा है हमसे आगे ना निकल जाए, तो आके आपको ऐसी बात बोल जाएगा कि आपको लेगा बताओ अरे मैं ऐसा हूँ, क्योंकि हमने रिमोट बाहर दिया हुआ है।
क्योंकि हमने रिमोट बाहर दिया हुआ है, तो इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि हमें अपने माइंड को खुद ही पावरफुल एफर्मेशंस, जिनको कहते हैं ऑटो सजेशंस, देने हैं। सवेरे जागिए, उस वक्त हमारा मन हमारी बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है। उस वक्त का तो लाभ हम लेते ही नहीं है ना। सवेरे उठते ही शुरू के 5 मिनट तक आपका मन आपकी हर एक बात सुनेगा। इस समय पर आप अपने मन की तारीफ करेंगे, मन कहेगा जी मालिक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब अपने मन को बोलिए, हे मेरे मन, तुम बहुत पावरफुल हो, तुम ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो, तुम में भगवान की शक्तियां भरी हुई हैं। मन बोलेगा जी हुजूर। मन ये कह नहीं सकता उस समय पर, नहीं नहीं ना, मैं कहां शक्तिशाली हूं। कह के देखिए, 5 स्वमान या 3 स्वमान या 1 स्वमान या कोई भी एफर्मेशन आप लें, उसे आप कई बार रिपीट करें या 7 एफर्मेशन रिपीट करें, 11 एफर्मेशन रिपीट करें, आप जितना चाहे रिपीट करें, चुन लें अपनी परिस्थिति के अनुसार। लेकिन 1 स्वमान जो सभी परिस्थितियों में काम करता है वो है कि मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम अ पावरफुल बींग, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। वेरी वेरी ब्यूटिफुल, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, भगवान की शक्तियाँ मेरे अंदर समाई हुई हैं। अरे हम बच्चे को झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, भगवान की हम संतान हैं और भगवान तो प्रेम के सागर हैं, शांति के सागर हैं, ज्ञान के भंडार हैं वो। खुद को याद दिलाने मात्र से आपको अनुभव होगा जैसे शक्तियाँ आपकी जाग रही हैं। तो करेंगे सवेरे तो ये स्वमान ले लीजिए कि आई एम पावरफुल बींग, या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, वेरी पावरफुल, और दूसरा मैं भगवान का बच्चा हूँ, अति प्रसन्न हूँ, बहुत सुखी हूँ, समृद्ध हूँ, मैं भाग्य विधाता का बच्चा, बहुत भाग्यवान हूँ, मैं सफलता का सूर्य हूँ, जैसा सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैलता है, मुझसे सफलता की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। अंग अंग से लाइट निकलती देखिए, विशेष पहले मस्तक के बीच फोकस करके यहाँ से लाइट निकलती देखिए, बिकॉज आई एम अ बींग, मेक एनर्जी हूँ, राइट। चलिए।